शादी से पहले ससुराल पहुंच जाती है दुल्हन। शादी से दो दिन पहले दुल्हन की विदाई। बात सुनने में भले ही अटपटी लगे, लेकिन यह हकीकत है। झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में शादी की यह अनोखी परंपरा काफी वर्षों से चली आ रही है। यहाँ दूल्हे के परिजन लग्न बंधी स्थानीय रिवाज करने दुल्हन के घर जाते हैं और बिन शादी के ही कन्या को विदा करा अपने घर ले आते हैं। एक से दो दिनों तक दुल्हन घर की बुजुर्ग महिलाओं के साथ रहती है। फिर दुल्हन के पिता और परिजन बारात लेकर पहुँचते हैं। अपने घर पहुँचे बारात में दूल्हा भी शामिल होता है। यहीं पिता कन्या दान करते हैं। लड़के के घर ही शादी की रस्म पूरी की जाती है। फिर दुल्हन को वहीं छोड़ बारात विदा हो जाती है। प्रमंडल में यह रिवाज दोला नाम से जाना जाता है। हाल के वर्षों में कई हिंदू जातियों में इस परंपरा से शादियां हो रही हैं। इसका प्रचलन भी तेजी से बढ़ा है। खासकर दहेज प्रथा के खिलाफ यह एक बड़ा उदाहरण है। वर पक्ष ही उठाता है शादी का पूरा खर्च। परंपरा के साथ साथ ये शादियां सामाजिक संदेश भी देती हैं। अधिकांश शादियां बिना दान दहेज की ही होती हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि शादी का पूरा खर्च भी लड़के पक्ष के द्वारा किया जाता है। बारातियों का स्वागत भी वे अपने घरों में सामान्य शादी की तरह ही करते हैं। दोला परंपरा से हाल में हुई हैं ये शादियां। 30 अप्रैल को हरली की लक्ष्मी कुमारी की शादी बड़का गांव के सेवा कुमार से हुई। 28 अप्रैल को ही लग्न बंधी कर लक्ष्मी अपने ससुराल पहुंच गई थी। 30 को धूमधाम से दूल्हे के घर पर ही बारात पहुंची। धूमधाम से शादी संपन्न हुई। उधर 8 मई को बड़का गांव हरली की खुशबू की शादी बड़का गांव डहर नगर में हीरा मणि कुमार से दोला परंपरा से संपन्न हुई। यहां भी 6 मई को खुशबू अपने ससुराल पहुंच गई थी। बड़का गांव के बुजुर्ग मोहन महतो कहते हैं कि काफी लंबे समय से यह परंपरा है। इस परंपरा में शादी का बोझ दुल्हन पक्ष पर काफी कम हो जाता है।